SN Live सच सबसे आगे। कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज मिले डॉक्टर दानिश से आशा हॉस्पिटल राजीव नगर कांग्रेस कार्यालय के नजदीक पकड़ी मोड़ सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन लाइव। कोरोना की चौथी लहर में बिहार में पहली मौत, पटना में एक बुजुर्ग की कोरोना से हुई मौत। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। कोरोना की चौथी लहर के बीच पटना में कोरोना से मौत का पहला मामला सामने आया है। पारस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने भी कोरोना से मौत की पुष्टि की है। मृतक की उम्र 64 साल बताई जा रही है, जो फुलवारी शरीफ के रहने वाले थे। कोरोना की चौथी लहर में यह बिहार में पहला मामला है जिसमें कोरोना मरीज की मौत हुई है। बिहार में कोरोना की चौथी लहर के बीच एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद कोरोना संक्रमित अर्जुन प्रसाद 5 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तब उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं राजभवन में प्रशासनिक सेवा के एक बड़े भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण का मामला आते ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग तेज कर दी गई। मरीज के संपर्क में आए लोगों की कोरोना टेस्ट कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर अलर्ट है। देश दुनिया में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ती जा रही है। भारत में कोरोना से 28 अप्रैल को 60 लोगों की मौत हुई। यह आंकड़ा पिछले दिन के मुकाबले 1.5 गुना है। 27 अप्रैल को 39 लोगों की मौत हुई। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में कुल 5,23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,377 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 2,496 लोग डिस्चार्ज हुए। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे लोगों की संख्या भी 17,801 पर पहुंच गई है। बीते दिन कोरोना के लिए 4,73,000 सैंपल टेस्ट किए गए। इससे पहले गुरुवार को 3,303 और बुधवार को 2,937 नए मामले दर्ज किए गए थे। एसएन लाइव से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।